हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। हम फिर से आ गए आपकी खिदमत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आए हैं ओटवा सिटी, जो कि कनाडा की राजधानी है। हम आए हैं घूमने यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि हम ओटवा के डाउनटाउन एरिया में घूम रहे हैं। और सबसे पहले हमारा जो एम है, हम चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट हिल को देखना, तो हम जा रहे हैं कि पार्लियामेंट हिल कहाँ पे है, तो वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि ये ओटवा सिटी का डाउनटाउन एरिया, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है एकदम पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखते ही बनता है कि हाँ इतनी खूबसूरत है यहाँ पे बिल्डिंग। तो जैसे हम देखते हैं, हम वीडियोस में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं बिल्डिंग, तो सेम वैसे ही बिल्डिंग्स हैं, एकदम एंटीक है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो स्काई स्क्रैपर टाइप है। पार्लियामेंट हिल से लेकर बायफर्ड मार्केट की गलियों तक ओटवा शहर एक सपनों की दुनिया है, जिसमें अनगिनत रंग हैं। तो जो सामने आपको दिख रहा है वो पार्लियामेंट हिल है, तो आप देख दो कि कितनी खूबसूरत है ये। और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है एकदम पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और जैसे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं सेम वैसी हैं पूरी। इस लोकेशन को पार्लियामेंट हिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कनाडा का जो पार्लियामेंट है ये एक हिल के ऊपर बनाया गया है। जो भी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं पार्लियामेंट की, वो एक हिल के ऊपर बनाई गई हैं, इसलिए इसको पार्लियामेंट हिल कहा जाता है। अगर उस साइड दिखाएं तो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग वैसी ही है, मतलब पुरानी, पता नहीं कितने साल पहले ये बनाया गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने हर गली में हायरिंग होते हुए देखी है, तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी बच्चे आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, उनको काम मिल जाता है। तो अभी भी अगर आप इंडिया में हो, अगर आप कनाडा में आना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो काम ढूंढने में, तो अगर आपने ओटवा सिटी को ध्यान में नहीं रखा अभी तक, तो आप इसको भी एज ए सजेशन एक रख सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में भी। यहाँ पे भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो आपको अगर एडमिशन मिल रही है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको काम ढूंढने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ का सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, पीसफुल एरिया। तो सामने वो बैंड शो होगा, देखो मार्च पास हो रहा, मतलब बैंड शो के साथ मार्च पास कर रहे हैं वो। ये इनका अपना कल्चर है, मे बी ये आर्मी का कल्चर है इनकी। पर ये सामने ब्रजेश कुमार, तो ये यहाँ से पूरा घूम के वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टेज है, तो वहाँ जैसे वहाँ लोग वहाँ इकट्ठे हैं कैमरा वगैरह लेके, तो वो देखेंगे सारे शो वगैरह। शो पता नहीं, पहली बार आया हूँ तो मुझे खुद नहीं पता। Welcome to Canada on the March. The ceremonial guards daily parade and concert series on Parliament Hill. As has been the tradition for nearly four decades, the band of the ceremonial guards marched on performing the 10 provinces march by Howard Cable. Today, the band will be conducted by Band Sergeant Major Master Warrant Officer Michel Simon. ओटवा नगर जो आत्मा को छू जाने वाली शांति देता है, यहाँ इतिहास और समर्पण का मेल है। यहाँ की परिस्थितियों ने दिखाया है कि ओटवा ना सिर्फ दिलों में बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य में भी अमीर है। अब हम बैक साइड आ गए थे पार्लियामेंट हिल के, तो पार्लियामेंट हिल के जो बैक साइड है, मतलब तो ब्यूटी देखने वाली यहाँ की एरिया की। वो जो आप सामने देख रहे हो वो पीस टावर है, जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनको याद रखने के लिए वो पीस टावर बनाया गया है। वो देखो मिनी क्रूज चल रही है वहाँ पे, तो इनका पैकेज है, मतलब
मैं देखूंगा कि क्या कोस्ट है अगर क्रूज में बैठना होगा तो आसपास एरिया वहाँ पे हिल है और ये पूरी ओटवा सिटी है। तो ये वेल है, तो ये कह रहे हैं कि ये वेल जब पुराना पार्लियामेंट था, सबसे पुराना, तो वहाँ का था ये। पार्लियामेंट हिल के बैक साइड ही अगर आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे एक नदी बह रही है, वहाँ पे आपको शिप्स भी दिख जाएंगी, वहाँ पे आपको बोट भी दिख जाएंगी, तो लोग वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी करती हैं। तो ओटवा शहर एक सुकून भरा शहर है, यहाँ की आबादी जैसे मैंने आपको पहले बताया काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये सन डायल है, तो जो एंशियंट लोग थे वो यहाँ इसको यूज़ करके मतलब टाइम का पता करते थे, वहाँ से सूरज की रोशनी पड़ेगी। तो वैसे देख टाइम देखना मुझे आ नहीं रहा, पर ये रोमन में लिखा हुआ है। तो जो पुराने लोग थे वो इसका यूज़ करते थे टाइम देखने के लिए, टाइम मेज़र करने के लिए। ओटवा शहर की भी मुझे एक और ख़ास बात ये लगी थी कि यहाँ पे पुरानी इमारतों के साथ साथ ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो ग्रीनरी है, ये सुकून वाला जो माहौल है, ये इसकी खूबसूरती को और उबार देता है। अगर आप यहाँ पे घूमने आए हो तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। समर्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पे समर्स एक्टिविटीज़ भी होती है, विंटर एक्टिविटीज़ भी होती है। तो यहाँ पे मतलब कोई रश नहीं है, अगर आप सुकून भरी वॉक लेना चाहते हो स्ट्रीट पे तो आप घूम सकते हो। यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं इस सिटी में। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ही इनका पार्लियामेंट है, जहाँ जो इनकी मेन फेडरल गवर्नमेंट है वो यहीं से पूरे कनाडा को रूल करती है। तो अगर आपको मौका मिलता है फ्यूचर में तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ इस सिटी को जरूर एक्सप्लोर करें। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ अगर आप ओटवा सिटी अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, यहाँ के लोगों को जानें, यहाँ का जो खाना है उसको टेस्ट करें, कल्चर को एक्सप्लोर करें। यहाँ की सड़कें जो न केवल शहर की गलियों की कहानी सुनाती है बल्कि हमारे सपनों को भी साथ ले जाती है। यहाँ गतिविधियों से लेकर विश्राम तक ओटवा का हर एक कोना एक कहानी सुनाता है जिसमें जिंदगी के सबसे प्यारे पल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चलो बाय।